जब दिसो तेरी मनु या तेरे बिना मनु हुण नींद रानी आउंदियां जब दिसो तेरी मनु मर जावांगा मैं चन्ना एक बारी आ जा आशिका नू आके सोना मुख दिखला जा धक धक मेरा दिल यूं धड़के यादा विच तेरी तड़पे एक पल तो तू भी मेरे संग बिताना बिन तेरे मर जाऊंगा कुछ भी ना कर पाऊंगा एक पल तो तू भी मेरे संग पाकिस्तान का चैनल है, क्लैप होनी चाहिए। पाकिस्तान केटू का और केटू का पाकिस्तान। शान का परफॉर्मेंस कैसे लगा? मुझे मिशी की आवाज बहुत आ रही है, आप जो सब बैठे हुए आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है क्लैप्स की। ये हुई ना बात जी। एक तो इस पर्चे से बड़ा तंग हूं मैं। क्या हुआ अली? नहीं कुछ नहीं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि केटू की तीसरी सालगिरह और बहुत ही पुरमसरत मौका है। इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा, बरमला कहना चाहूंगा, बिला कितराए कहना चाहूंगा, बिला झिझक कहना चाहूंगा कि अली, मैं अली, ए, ए, अली
ये स्क्रिप्ट में पेज नहीं था। मैं पेज मिस कर गया हूँ, पेज टू तुम्हारे पास है? उधर देखो, इधर नहीं है। एक्सक्यूज मी, पेज टू, एक एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो अली? पेज जी बिल्कुल, तो मैं बिला झिझक और बरमला ये कहूंगा कि जान, मैंने देसी घी में जो मरूंडे भिजवाए थे वो पहुंच गए हैं। अली ये पेज नहीं था स्क्रिप्ट का। वो ड्रेस जो भिजवाया था मिल गया है मुन्नू को, मेरा प्यार और फीस भी नहीं था ये पेज। सॉरी, कोई बात नहीं। जी जी बिल्कुल, तो मैं बरमला ये कहना चाहूंगा कि जी डोंट लेसन एमचेयर का स्क्रिप्ट आ गया मेरे हाथ में। अली अदरक धनिया नहीं है स्क्रिप्ट जी, ये प्लीज शाजिया ये आप ले लें प्लीज, रख लें अच्छा, अपने पास रख लें, अगले पेज होगा। स्क्रिप्ट तो जी अल्लाह हाफिज हो गया उसका। मैं दिल से कुछ कहना चाहूंगा और केटू का हिस्सा हूं पिछले 3-4 सालों से, बहुत सारे लाइव प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं उसमें, केटू के जो मेंबर्स हैं मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो हमारा बलोच भाई नुमान लाशारी हो, चाहे वो डीआई खान से ताल्लुक रखने वाले मेरे फहीम भाई या मुदस्सर हो, चाहे वो सिख बरादरी के हैप्पी सिंह हो, चाहे वो पिशावर के जकीर रहमान हो, चाहे वो पटवार के आले इमरान साहब या राजा नासिर हो, चाहे वो हजारे के मलक साहब या ताहिर हो, या पन्नू के संगलाख पठानों का अली खान हो। जी बिल्कुल, ये जो जुबानें भी बोलते हैं, चाहे वो सरायकी बोले, चाहे वो चित्राली बोले, चाहे वो उर्दू बोले, चाहे वो इंग्लिश बोले, सुनने वाले के कानों तक एक ही बात पहुंचती है, एक ही आवाज पहुंचती है, और वो आवाज है जी पाकिस्तानियत की आवाज, पाकिस्तान की आवाज। तो इस बात से साफ जाहिर है कि केटू पाकिस्तान का चैनल है। क्लैप होनी चाहिए। पाकिस्तान केटू का और केटू का पाकिस्तान। माशाल्लाह। और आज केटू टेलीविजन की 3री सालगिरह भी है और इतना अच्छा रंगे शुमाल एक खूबसूरत सा शो भी है, और आप जो यहाँ बैठे हुए हाजरीन हैं और जो नाजरीन इस वक्त हमें टेलीविजन पे देख रहे हैं, तो उन सबको एक दफा फिर हम मुबारकबाद बहुत बहुत अपने टेलीविजन की देंगे 3री सालगिरह के मौके पे। अच्छा अली, बातें बहुत हो गई, बहुत हो गया ना, टैलेंट को बुलाना चाहिए। जी बिल्कुल, वादिया हुंजा से ताल्लुक रखने वाले NCA के ग्रेजुएट और हजारा यूनिवर्सिटी के नौजवान टीचर, और सबसे बड़ी बात ये कि एक आला पाए के बांसुरी नवाज जो अभी बांसुरी के सुर बिखेरेंगे, तो जनाब हम भरपूर तालियों में बुलाएंगे उनको, तो तशरीफ लाते हैं वारिस।
भरपूर तालियों में मैं बुलवाने जा रही हूँ पाकिस्तान की शान, और आज यहाँ पे तहलका मचाने के लिए आ रहे हैं द वन एंड ओनली रहीम शाह। पसंद आ गए चिटूल मर्रा सरे